بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الإيمان بالملائكة الإيمان بالملائكة چونکہ ہم لوگ تفصیل سے پڑھ رہے ہیں الحمد للہ تو اس میں ان کا تعارف پڑھتے ہوئے ان کی جو ظاہری خلقت ہے ان کا جو جسم ان کی جو جسمانی ساخت ہے اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے ابھی ان کے اخلاق کے بارے میں نہیں ایک ہے الخلق ایک ہے الخلق خلق ان کی جو ظاہری بناوٹ ہے الخلق ان کے اخلاق وہ ابھی ہم لوگ نہیں پڑھے تو اس میں سے ایک بات یہ ہے کتنی باتیں پڑھتے ہیں ہم لوگ آٹھ کیا نو انہم لا يتناكحون نمبر دس انہم يتكلمون وكلامهم يسمع نمبر گیارہ انہم لا يتعبون ولا يملون ولا ینامون آج یہ تین باتیں پڑھیں گے انشاءاللہ انہم لا یتناکحون جہاں لا ہے وہاں لا رکھنا جہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہاں جی انہم لا یتناکحون انہم یتکلمون دیکھ رہے ہیں آپ انہم یتکلمون وکلامہم یسمع انہم لا یتعبون ولا یملون ولا ینامون میں اس وقت میں بتلا رہا تھا کہ اب جیسے لکھتے ہیں تو وہ بھی اچھا اچھا آخری کا انہم لا یتعبون تعیب یتعبو انہم لا یتعبون وعلیکم السلام وعلیکم السلام نئی نوٹ بک لے کر آئے ماشاء اللہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ آپ میں سے کون ہے جو ان کو نہیں جانتے سب جانتے ہیں آپ میں سے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کو جانتے نہیں جانتے نام سن کے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ جب طلب علم کے لیے وہ باہر نکلے اور حدیثوں میں مہارت ہو گئی ان کو اور ایک حدیث کی تحقیق کرنے کے لیے کافی صفحے چاہیے
वो दुकान से जाकर के जहाँ लोग अखबार वगैरह देते थे ना, वहाँ जाकर के कागज सादे कागजात खरीद के लाते, नीचे पड़े हुए कागजात को ढूंढते थे वो तहकीक करने के लिए। कहाँ नहीं है उनके पास, कुछ नहीं, इब्तदाई मामला। आज उनकी किताबों के लिए देखिए, पूरी अरब दुनिया में सबसे महंगी किताब उन्हीं की, पूरी दुनिया के अंदर दीनी किताबों में सबसे महंगी किताब उनकी, एक रुपया भी कोई डिस्काउंट नहीं देता, एक रुपया भी कम नहीं। तकरीबन 7,000 रुपये किताब वो देख रहे हैं आप, शेख अलबानी रहमतुल्लाह की। कहाँ 1,000 किताबें कहाँ देखेंगे आप, वो दिख रहे, कोई उठा के दिखाए। हाँ समझ रहे हैं आप, आज माशाल्लाह 10-15 रुपये दीजिए अच्छी खासी नोटबुक मिल जाती है। हमारे उलमा की खिदमत कैसी है देखिए, अल्लाह कैसे, अल्लाह ज़ाया नहीं करता। आप लोग इसमें लिखेंगे तो आपकी नोटबुक ज़ाया हो जाएगी क्या? नीयतों के मुताबिक फ़ैसला होता है। सामने सामने वही 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 जहाँ आता, ऊपर ऊपर की, ऊपर की, हाँ वो भी उन्हीं की किताब, वो पूरी नहीं उन्हीं की किताब, तकरीबन आधा हिस्सा, वो एक किताब है, वो काफ़ी जिल्दों में है वो। माशा, ये मुझे ज़रूरत भी थी दूसरी जिल्द की, अभी दर्स में एक किताब है इनकी, नहीं कई मुजल्लदात में से एक। ये वो हैं जो कागजात ढूंढते थे हदीस की तहकीक करने के लिए। आज माशाल्लाह इतने बड़े पैमाने पे छपती है ये किताब, ये और ये एक रुपया भी कम नहीं देते, क्योंकि लोग खरीदते ही हैं इनकी किताब, इनकी किताबों से कोई बेनियाजी नहीं बरत सकता। और पूरी अरब दुनिया में सबसे महंगी किताब यही है, इसमें एक रुपया भी डिस्काउंट नहीं। कागज देखिए, इसका सरे वर्क देखिए, सिलसिलतुल अहादीस सहीहा, पूरे सही अहादीस का मजमुआ, कुल के कुल नहीं, इन्होंने एक बहुत जमा की अपनी ज़िंदगी में, 1,00,000 अहादीस की तहकीक की इन्होंने। नहीं 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 पूरी किताब, किताब किताब 8 जिल्दें हैं गालिबन, 8 या 9 जिल्दें सिर्फ सही हक़ के। ज़ईफ़ा अलग है, वो जो लाल रंग के है वो उसके बाजू वाली, वो ज़ईफ़ा सिलसिलतुल अहादीस ज़ईफ़ा, वो हम लोगों को जो है मिला है कहीं से, वो पूरी किताब नहीं है हमारे पास, ज़ईफ़ा। सही तो ख़रीदे हम लोगों ने तो जी, ऐसे मिलता है इल्म। फरिश्ते बहुत मुअज़्ज़ज़ मखलूक हैं, एरे गेरे के लिए अपने पर नहीं बिछाते वो, समझ रहे हैं। उसके लिए शरीयत का तालिबे इल्म चाहिए, शरीयत का इल्म हासिल करने वाला तालिबे इल्म। वो किस घराने से है, किस ख़ानदान से है, कब सुधरा कब वो नहीं, दीनी तालिबे इल्म में बस वो अपने पर बिछाने के लिए तैयार हैं, एरे गेरे के लिए नहीं। जी हो गया। अयाज भी कहाँ तक पहुँचे आप, अच्छी तरह लिखना आ रहा भी आपको? नहीं वही शुरू में कुछ नहीं आता था ना आपको, हमारे अबुल कासिम को कुछ नहीं आता था लिखने, नहीं अभी देख अभी मालूम है ना। चलिए पढ़े ना। हाँ अच्छा, ये जो पहली बात है यानी पहली मरत मतलब आज के दर्स में, अन्नहुम ला यतनाकहून, वो आपस में निकाह नहीं करते हैं, आपस में ला यतनाकहून, यानी फरिश्तों के मामले में एक बात ये भी है कि वो उनके बारे में हमें अकीदा रखें कि शादी ब्याह का मामला उनमें नहीं है। कई एक बातें हैं उसमें, एक बात ये
कि उसमें जींस वाली बात नहीं है, यानी कोई मुजक्कर और मोनस वाली बात, जेंडर जिसे बोलते हैं, वो चीज नहीं है उसमें। यानी कुछ फरिश्ते मुजक्कर, कुछ फरिश्ते मोनस, हम लोग इससे पहले पढ़े थे ना, मुजक्कर मोनस की बात नहीं होगी उसमें, पढ़े थे ना हम लोग, तो जींस वाली बात नहीं है उसमें। किस जींस से इनका ताल्लुक है, सब एक ही जींस के हैं, एक नूरानी मखलूक है वो। अल्लाह सुभान व तआला ने इनके लिए नसब, जो नसबनामा जो होता है, उसकी भी नफी की इनके लिए। फरिश्तों में ऐसा मामला नहीं होता कि उनके बाप, उनके वालिद, उनके दादा, ऐसा नहीं रहता मामला। वो औलाद शादी होती ना तब मामला होता, वो हर एक की अपनी एक मुस्तकिल खिलकत होती है। अल्लाह ने उसको पैदा किया, उसको पैदा किया, उस फरिश्ते को पैदा किया, ऐसा हर फरिश्ता अपने आप में। यहाँ तक बताओ हो गया आपको। और कुरान ने कुफार के जो अकवाल नकल किया, कुफार कहा करते थे कि ये अंबिया फरिश्ते क्यों नहीं है, इंसान होना चाहिए था। अल्लाह सुबहानहू व तआला ने उसकी नफी फरमाई कि नहीं, ये इंसान ही है, फरिश्ते नहीं है, हमने फरिश्तों को नबी नहीं बनाया। और इंसान को हमने नबी बनाया तो अल्लाह ताला ने इंसान पूरे अंबिया के बारे में कहा कि पूरे अंबिया ने शादियां की, पूरे अंबिया अलैहिस्सलाम। देखिए आपको सूरह अर्राद में, सूरह अर्राद सूरह इब्राहिम से पहले, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 क्या है अब्दुल्ला जी? सूरह अर्राद आयत नंबर 38 अल्लाह ताला ने फरमाया, वलकद अरसलना रुसुलन मिन कबलिक, हमने आपसे पहले भी बहुत सारे रसूल भेजे, और फिर वजअलना लहुम, मुसफ लेके बैठो, देख सकते ना आप, फिर मुसफ लेके बैठो, वलकद अरसलना रुसुलन मिन कबलिक वजअलना लहुम अजवाजन वजुर्रिया, और हमने उन सब के लिए, रसूलों के लिए कैसे बनाया, बीवी बच्चों वाला बनाया, घर बार था उनके लिए, अजवाजन बीवियां, जुर्रिया औलाद नसल, ये अंबिया की सिफात में से है, यानी आम इंसानों की तरह है, वो भी तो उनके लिए मसाइल थे, लेकिन ये फरिश्ते नहीं हैं, क्योंकि फरिश्तों के लिए ऐसा मामला नहीं है, उनके लिए आल औलाद, उनके लिए नसब, उनके लिए माँ बाप, उनके लिए रिश्तेदारियाँ, ऐसी चीज़ नहीं है जी। ये आम सी बात है, वाज़े बात है ये, अल्लाह तआला कहून। उसके बाद देखिए बड़ी अहम चीज़ है फरिश्तों से मुतालिक, नंबर 10, अन्नहुम यतकल्लमून, मतलब हाँ वो गुफ्तगू करते हैं, बात कर सकते हैं, बात करते हैं, वकलामुहुम युस्मा, और उनकी बात सुनी जा सकती है, और वो सुनते ही नहीं, वकलामुहुम, और उनका कलाम ऐसा है, उनकी गुफ्तगू ऐसी है कि युस्मा, सुनी भी जा सकती है। ये भी उनके बारे में जो तारुफ है, इसमें एक बात है, अन्नहुम यतकल्लमून, वो गुफ्तगू भी करते हैं, और जब वो गुफ्तगू करते हैं तो वह कलाम हो युस्मा, वो क्या बोल रहे हैं हम सुन भी सकते हैं। वो किसी इंसान की शक्ल में आए तब भी, वो अपनी असल शक्ल में आए तब भी, वह कलाम हो युस्मा, उनकी गुफ्तगू सुनी जा सकती है। इसके बहुत सारे दलाइल हैं, पैगाम लेकर के आना अल्लाह सुबहान व तआला का, अम्बिया से गुफ्तगू करना, या किसी की शक्ल में आकर के इंसानों से उनका बात करना, मरियम अलैहिस्सलाम से, या हाँ क्या हाँ या वो बनी इसराइल से मुतालिक जो हदीस है, देखो एक फरिश्ते अबरस आमा अखरस, अखरस की शक्ल में, आमा की शक्ल में, अबरस बरस की बीमारी, एक शख्स को नाबीना बनकर के, अखरस जिसे सर पर बाल ना हो बीमारी की वजह से, तीन शक्ल में एक ही फरिश्ता आजमाने के लिए, तो गोया कि उनसे बातचीत करना, चाहे वो इंसान की शक्ल में आए या फिर अपने असल शक्ल में आए, वो बात करते हैं और उनकी बात सुनी भी जा सकती है। हारूत मारूत की भी बात है, बहुत सारे दलाइल हैं। कुरान से कोई दलील दे सकते हैं आप? नहीं नहीं उनकी गुफ्तगू, हाँ हाँ
जी माशाल्लाह, एक दलील हम लोग पढ़ेंगे। हाँ जी, चलिए सूरह बकरा खोलिए, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 30। लयतनाकहून, वो सारे दलाइल जिसे अभी बताया मैं, अल्लाह ताला ने कहा कि अंबिया को फरिश्ते नहीं बनाया गया, इंसान बनाए गए, और इंसान के लिए औलाद आला औलाद है अंबिया के लिए, और ये कि उनके लिए नसब और औलाद नहीं, फरिश्तों की नूरानी मखलूक हैं, हर एक को अल्लाह ने मुस्तकिल पैदा फरमाया है हर फरिश्ते को। और ये भी बात है कि वो खाते पीते नहीं हैं, उनके लिए औलाद नहीं है, वो आपस में निकाह वगैरह नहीं करते, उनमें कोई जिन्स नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी यही बात है, कोई कोई साफ ये बात नहीं कि वो शादी नहीं किए, या ये भी बात नहीं है कि जो है वो जिस तरीके से ये बताया जाता है कि बिल्कुल कम उम्र में उनको उठा लिया गया, ये सब तो वो एक किताब व सुन्नत में उनके ताल्लुक से ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि अमूमी बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 40 साल की उम्र में नबी बनाया, इसीलिए कहा जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत बचपन में नहीं मिली। ऐसा मामला नहीं कि बचपन ही से वो नबी है, क्योंकि बच्चा ही मुकल्लफ नहीं है शरीयत का, चाहे जाए कि वो किसी को मुकल्लफ होने की बातें करें। एक मौजज़ा था उनका, वो ये खुद इनका एक मौजज़ा और उनकी माँ के हक़ में करामत। यहया अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह ने कहा, या यहया खुदिल किताब बिकुवा, अरे यहया इस किताब को मजबूती से पकड़ लो, अभी बच्चे ही थे तभी उनसे ये बात कही गई। ये मतलब ही उनको वो तरबियत वो माहौल मिला उनको, वरना वो ऐसा नहीं कि जो बचपन में मुबल्लिग बन गए थे ईसा अलैहिस्सलाम, ऐसी बात नहीं थी, बच्चे आम बच्चे, लेकिन उनकी मौजज़ा खुद उनका मुस्तकिल। बस समझ में आ गया आपको, कुरान ने जो कहा कि हमने जितने भी रसूल बनाए हैं रजुल को बनाए हैं, उसमें सभी की नफी हो जाती है, कोई बच्चा नहीं है उसमें, सबके सब हालत रजूलियत में, समझ रहे हैं। रजुल को अल्लाह ताला ने नबी बनाया, सभी को नहीं, सभी बच्चे को बोलते हैं, तो वो उनके नबी होने की बात नहीं हो, यानी तभी से वो तबलीग के लिए निकले हों, तभी से वो बात कहे हों, ऐसा नहीं। वो खुद एक पल ही हैरान कुन था, बच्चा बात कर रहा है, और बच्चा गली में घूम घूम करके तबलीग करता हो तो दुनिया का सबसे सबसे अनोखी बात हो जाती हो, बता से हो गया आपको। तो वो बहैसत रसूल के नहीं मामला वो, क्योंकि वो बच्चे होने के हैसियत से बात की, वो अकेले ने और भी बच्चे बात किए हैं, तो इस एतबार से वो बहैसत बच्चे होने की बात करना एक उनका एक मौजज़ा, उनकी माँ के हक में बिलखसूस करामत हो, मरियम अलैहिस्सलाम का मामला है खास हो। जी चलिए आयत नंबर 30 पढ़ते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, यानी जब तुम्हारे रब ने कहा फरिश्तों से कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। ये लफ्ज़ खलीफा एक बहुत तवील बहस है, वो खलीफा के माने नायब को बोलते हैं, तो अल्लाह सुभान व तआला के लिए खलीफा किस माने में, कि अल्लाह का भी कोई नायब है, खलीफा बोलते हैं एक के गुजर जाने के बाद दूसरा उसकी जगह में आना, या कोई पूरी संभाल नहीं सकता है उसकी जगह में कोई और ये कर सके निभा सके, तो यह खलीफा एक तवील बहस है, वो जाना नहीं चाहता उसमें, लेकिन जहन में रखिए, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जब हम लोग तफसीर पढ़ रहे थे उसमें बतला चुका हूँ मैं तफसील से, वो लफ्ज़ खलीफा, आलू फरिश्तों ने कहा, आता जा आलू फी हाँ, यानी ए अल्लाह क्या तू ज़मीन में खलीफा बनाता है उस शख्स को, मन यानी उस शख्स को, युफ्सिदु फीहा जो फसादी है, फसाद बर्पा करने वाला है, वयस्फिकु दिमाम और खून बहाने वाला है, सफा का यस्फिकु ज़रबा यज़रिबु के वजन पर, इसके माने हैं असल के एतबार से आते हैं बहाने के, चाहे पानी बहाए या खून बहाए, असल चीज़ बहाना, बाद में यही लफ्ज़ कत्ल करने के लिए भी आया, और अमूमन ये लफ्ज़ खून बहाने के लिए कत्ल करने के लिए आता है, लेकिन नाहक कत्ल करने के लिए अमूमन, जायज़ नहीं, नाहक जो कत्ल किया जाता है उसके लिए अमूमन ये लफ्ज़ आता है, बात वाज़ेह हो गई, वरना हक के लिए तो कत्ल करना चाहिए, अगर वाकई कोई मुजरिम हो और वो मुस्तहिक है तो उसे कत्ल करना चाहिए, फरिश्तों को एतराज़ नहीं होता उस पर, यानी इस भी कुछ दिमाग वो नाहक कत्ल करेंगे,
چونکہ ان لوگوں نے زمین میں شیاطین کو دیکھا تھا, ابلیس کو, اس کی اولاد کو, اس زمین میں فساد برپا کر کے رکھے تھے. اب نئی مخلوق آئے گی تو کیا وہ بھی اسی راستے پہ چلے گی؟ ایک ڈر تھا ان کو, فرشتوں کو. تو یہ آیت کریمہ میں ہماری جو موضوع کی بات ہے وہ یہ, ہمارے موضوع سے متعلق, کہ فرشتوں نے کہا کہ قالو اتجعل فیہا, گفتگو کی انہوں نے اللہ سے, اللہ تعالیٰ سے انہوں نے گفتگو کی. اور پھر اس کے بعد دیکھیے اس کے آگے, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہاں فرشتوں کی گفتگو ہے. اب اس کے بعد, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے. تمام چیزوں کے نام یعنی تمام چیزوں کے نام, اس میں بہت وسعت ہے. جیسے مثال کے طور پر انسان کا جسم لے لیجیے, اس کو ہاتھ بولتے ہیں, اس کو ناک بولتے ہیں, یہ سر ہے, اس کو پیر بولتے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. ہاں, تو ان کی جو زبان ہے وہ, اس میں اللہ رب اللہ نے ساری چیزیں سکھائیں. اس کو دیوار کہا جاتا ہے, یہ زمین ہے, یہ اس کو ہوا کہا جاتا ہے. ہر چیز کا نام, جتنی اللہ کے مخلوقات ہیں جس کا انسان سے تعلق ہے, یہ جو انسان دیکھتا ہے پھر اسے کیا نام دے گا, سب چیزیں اللہ نے سکھائیں آدم علیہ السلام کو. اور وہ ان کے اولاد, ان کے ایسی چیزیں عام ہوتی گئیں, جیسے زبانیں منتقل ہوتی گئی ان زبانوں میں ان کے نام بھی رکھتے گئے. ایسے ہی بات واضح ہوگی آپ کو. جی, وعلم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکہ, پھر آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر پیش کیا گیا. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام آئے, کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو جاؤ. جا کر کے اعتراض کیا نا میرے پیدا ہونے پر, جب اللہ نے مجھے بنایا تو کہا کہ ایک صفا کو, خون ریز لوگوں کو, فسادی لوگوں کو کیوں پیدا کرے گا اللہ, تو کیوں ان کو بھیج رہا. اچھا ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو علم عطا کیا ہے, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور میں واقعی ایسا ہوں تو ذرا تم یہ سب چیزیں بتلاؤ جو اللہ نے مجھے سکھائے ہیں, اپنا شرف بتلا رہے ہوں. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا, ان سب نے کہا کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے. یعنی عیب آدم, گویا کہ سبحانک, یہاں جو لفظ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے اللہ صرف تیری ہی ذات ایسی ہے جو بے عیب ہے, منزہ ہے. یعنی ہم کو ہمارے قصور علم کا اعتراف ہے, کم علمی کا اعتراف ہے. تو جس کو چاہتا ہے فضیلت عطا فرماتا ہے, تو جس کو چاہتا ہے علم کی بنیاد پر برتری عطا کرتا ہے. ہم جس کے بارے میں اعتراض کر رہے تھے وہ ہم سے برتر نکلا, ہم سے اعلیٰ نکلا, اور تو علم کی بنیاد پر ہم سے اسے شرف عطا کیا ہمارے مقابلے میں. کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا, ہماری جتنی حدیں ہیں, جتنی معلومات تو نے ہم کو دی ہیں اتنی ہی ہمارے پاس, مزید نہیں. فرشتوں کا توازو ہے یہ, سبحان اللہ. تو بہرحال ان دو آیاتوں سے ہمارے موضوع سے متعلق بات یہ ہے کہ فرشتے گفتگو کرتے ہیں اور ان کی گفتگو سنی جاتی ہے, ان کا بات کرنا سننے میں آتا ہے, آدمی سن سکتا ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں, وہ اگر ایسا ہو تو. جی, اس کے بعد نمبر 11, انہم لا یتعبون, وہ تھکتے نہیں ہیں. ولا یملون, کم و بیش ایک ہی معنی, تھکتے نہیں ہیں, اکتاتے نہیں ہیں. ولا ینامون, اور سوتے نہیں ہیں. سونا وہ آخری درجہ ہے آدمی کی تھکاوٹ, آدمی اکتا جانا جسمانی اعتبار سے, ذہنی اعتبار سے تھک جاتا ہے, وہ آخری مرحلہ ہے, پھر وہ نیند کی شکل میں. فی الحال آپ میں سے کسی کو نہیں نا تھکاوٹ, کیونکہ اس کی آخری شکل نیند ہے, ایسا تو نہیں نا معاملہ. نہیں, فرشتے تو نہیں ہیں, لیکن جو ہے انسان ہونے کے اعتبار سے نیند آ سکتی ہے, ایسا تو نہیں نا معاملہ. جی, تو فرشتوں سے متعلق ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے عقائد میں یہ بات ہے ان کی تفصیلی معلومات میں کہ وہ تھکتے نہیں ہیں. یعنی تھکتے نہیں مطلب اللہ رب العالمین نے ان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ کرتے جا رہے ہیں. اللہ کی تسبیح بیان کرنا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرنا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سامنے سجدے میں رہنا, اللہ رب العالمین کی حالت میں قیام میں رہنا, اور پھر مزید جو ان کے تعلق سے ہے ان کے بارے میں کیا کچھ وہ آگے پڑھیں گے. فرشتوں کا تعلق ابلیس سے کتنا ہے, فرشتوں کا تعلق انسان سے کتنا ہے, کس کس اعتبار سے ہے, پھر انسانوں میں مسلمانوں سے کتنا ہے, کافروں سے کتنا ہے, مسلمانوں میں اچھے لوگوں سے کتنا ہے, برے لوگوں سے کتنا ہے, پھر مکلف لوگوں سے کتنا ہے, غیر مکلف جو بچے وغیرہ ہیں ان سے کیسا تعلق ہے فرشتوں کا, پھر انسانوں میں انبیاء سے بالخصوص کیا ان کا تعلق ہے, وہ ایک ایک موضوع لے کر پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. تو یہاں یہ بات ہے کہ جو ہے وہ اللہ نے جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا ہے, جو ان کا فریضہ ہے اس کو ادا کرنے میں, نبھانے میں وہ تھکتے نہیں ہیں. مسلسل, جیسے کہ آدمی فریش رہتا ہے اسی میں تسلسل ہمیشہ اسے رہے گا معاملہ, اس میں اونچ نیچ والی بات نہیں ہے. بس سمجھ رہے آپ کو؟ جی, جیسے سورہ یہ کھولی, سورہ فصیلت کھولی, سورہ فصیلت, سورہ نمبر
40 पर एक, सूरह नंबर 40 पर एक और आयत नंबर 30 पर सात। आमीन सजदा। 30 पर सात, 37, असल में 38 है, 37 से पढ़ेंगे तो ही बात समझ में आएगी। पढ़ें जी। अल्लाह ताला ने फरमाया वमिन आयाती, यानी अल्लाह सुबहान व तआला के बारे में जानना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत हासिल करना कि वो हमारा खालिक है और जो खालिक होगा वही वही माबूद भी होगा। ये बहुत बुनियादी बात है। ये एक सही मुसलमान और एक जो वाकई अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत का इल्म रखता हो और जिस मकसद के लिए वो पैदा किया गया उसका इल्म रखता हो वही कहेगा। वरना देखिए आप मुसलमानों की जुबान क्या है, अल्लाह मेरे मालिक, अल्लाह मेरे मालिक, मालिक की मेहरबानी है, मालिक का एहसान है, तो काफिर भी बोल देंगे वो किसने पैदा किया और ऊपर वाले ने, गोया कि कुछ है, कोई है जो हमारी निगरानी कर रहा है। मालिक कह देना बहुत आसान है, लेकिन मालिक कहने के नतीजे में अल्लाह को अपना महबूद मानना यह असल है। समझ मेरी बात है? वरना हम अल्लाह सुभान व तआला की इबादत करें ना करें, अल्लाह हमारा मालिक है ही, तो मालिक कहना कोई खास कमाल की बात नहीं। कमाल की बात यह है कि अल्लाह सुभान व तआला को अपना मालिक मानते हो तो फिर अल्लाह ही को अपना महबूद भी माने, ये बड़ी अहम चीज जी। वमिन आयातिही, उसकी निशानियों में से ये भी है, अल्लैल वन्नहार, रात और दिन, वश्शम्सु वल्कमर, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूकात में से हैं और अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं। लिहाजा ला तस्जुदु लिश्शम्स वला लिल्कमर, शम्स के लिए कमर के लिए सजदा ना करो। वस्जुदु, सजदा उस जात के लिए करो, लिल्लाहि, उस अल्लाह के लिए, अल्लज़ी खलक़हुन, जिसने उनको पैदा किया है, इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, अगर तुम वाकई इबादत ही करना चाहते हो, महज रस्मी जिंदगी गुजारना चाहते हो तो किसी की भी पूजा कर लो, वाकई इबादत, इबादत को इबादत का नाम देना चाहते हो, आबिद बनना चाहते हो और सच्चे माबूद की इबादत करना चाहते हो तो ये सब मखलूक़ात हैं, ये खुद अल्लाह के आबिद हैं, तुम उसकी इबादत करो जो इन सब को पैदा किया है। इनको तुम इय्याहु तअबुदून, शवाफे वगैरह के नज़दीक इसी आयत में सजदा करना है, लेकिन जुम्हूर अहले इल्म आने वाली आयत में सजदे की बात करते हैं कि आने वाली आयत करीमा वो आयत सजदा है, वल्लाहु आलम। उसके बाद फइन इस्तकबरू, अल्लाह सुभान व तआला ने फरमाया कि अगर ये लोग तकबर करते हैं अल्लाह की इबादत करने में, फइन इस्तकबरू, इस्तकबार, जैसे इस्तिग़फ़ार बोलते हैं नहीं, इस्तिग़बार, इस्तिग़बार के माने आती हैं अपने आप को बड़ा समझना, अपने आप को बड़ा जानना। फइन इस्तकबरू, फइन इस्तकबरू, अगर वो अपने आप को बड़ा समझते हैं, अगर ये किब्र गुरूर करें, मुतकब्बिर बन जाएं, तो फिर फल्लज़ीना इंदा रब्बिक, जो तुम्हारे रब के पास हैं, युसब्बिहूना लहू बिल्लैलि वन्नहार, वो रात दिन अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। यहाँ बहुत सारी बातें हैं। एक बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुमको जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है वो अल्लाह की इबादत करना है। अगर तुम इसमें किब्र गुरूर करते हो और ये समझते हो कि हम अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे, अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाएंगे, अल्लाह के अहकाम को नहीं मानेंगे, अल्लाह की बात को नहीं मानेंगे, अपनी ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी करेंगे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो तुम्हारे रब के पास हैं, जो मकाम और मर्तबे के एतबार से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, उनका हाल ये है कि युसब्बिहूना लहू बिल्लैलि वन्नहार, रात और दिन अल्लाह सुबहान व तआला की तस्बीह बयान कर रहे हैं और मुसलसल, क्योंकि उनको मालूम है कि अल्लाह की इबादत ही में शर्फ हासिल होता है, अल्लाह की इबादत ही में दिलों को सुकून मिलता है, अल्लाह की इबादत ही अल्लाह के सामने आजिजी से झुकने ही में यानी उसको वो खुशनसीब बनता है। ये तकब्बुर करते हैं तो फिर इनका मकाम देखो। यहाँ अहलु सुन्ना का वो अकीदा भी साबित होता है कि अल्लाह सुबहान व तआला अर्श पर मुस्तवी है, हर जगह नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, फइन इस्तकबरू, अगर वो तकबर करते हैं तो फल्लज़ीना इंदा रब्बिक, जो तुम्हारे रब के पास हैं, अगर अल्लाह ताला हर जगह होता तो फिर तुम्हारे रब के पास हैं कहने की क्या जरूरत है, जो हर जगह है करके बोलने की बात हो जाती है।
क्योंकि तुम्हारे रब का एक मकाम है, एक जगह है, अर्श पर मुस्तवी है, और जो आसमान में है, आसमानों के ऊपर है, और जो वहां रहते हैं, समझ रहे ना। ये खुद अहलु सुन्ना के अहलु सुन्ना का जो अकीदा है कि अल्लाह सुभान व तआला अर्श पर मुस्तवी है, जो आसमानों के ऊपर है, हर जगह मौजूद नहीं है, नऊज़ु बिल्लाह। ये आयत करीमा भी उन दलाइल में से एक दलील है। कैसे? अल्लाह सुभान व तआला ने फरमाया कि जो लोग तुम्हारे रब के पास हैं, अगर तुम तकबर करते हो, जो तुम जमीनी मखलूक हो, अगर तुम तकबर करते हो, तो वो लोग जो तुम्हारे रब के पास हैं, मतलब हो गई, वो तकबर नहीं करते हैं, वो रात और दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात करते हैं, तस्बीह बयान करते हैं। ये यानी जो अर्श पर मुस्तवी होने के जो दलाइल हैं, उसके अंदर तनव्वु है, मुख्तलिफ किस्म के दलाइल हैं। मतलब हो गया आपको, कुछ में वजाहत है कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, कुछ में ऐसा है कि अल्लाह ताला से वो लोग डरते हैं जो उनके ऊपर है करके, यखाफून रब्बहुम मिन फौकिहिम, फरिश्ते अपने रब से डरते हैं जो उनके ऊपर है, ऐसे दलाइल। कुछ नाम है वो भी दलाइल में से हैं, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक नाम है अल अली, अल मुताल, अल आला, अल कहार, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिर्फ मकाम मरतबे नहीं, मकाम के एतबार से भी, जगह के एतबार से भी बुलंद होने की खबर देती हूँ नामों के अंदर से ही। तो उन्हीं में से ये भी एक दलील, अल्लाह सुभान व तआला हर जगह नहीं है, तो फरिश्ते भी हर जगह नहीं है, फरिश्ते वहां हैं जहां रब्बुल आलमीन है। फइन इस्तकबरु फल्लज़ीन इंद रब्बिक, तुम तकबर करते हो तो वरना ये भी रब के पास हो जाएंगे, तकबर करने वाले भी हैं क्या रब के पास हो? नहीं है। अगर ये तकबर करते हैं तो वो तकबर नहीं करेंगे जो तुम्हारे रब के पास है। फइन इस्तकबरु फल्लज़ीन इंद रब्बिक युसब्बिहूना लहू बिल्लैलि वन्नहार, बता दीजिए आपको, युसब्बिहूना लहू बिल्लैलि वन्नहार वहुम ला यसअमून, ये असल हमारी दलील है, मौजू की दलील, वहुम ला यसअमून, और वो अल्लाह सुभान व तआला की इबादत करते हुए किसी भी वक्त थकते नहीं हैं, उकताते नहीं। ला यसअमून, इसके जो माने हैं ये मैं मिट दूं, ये आवाज आ रही आपको? हाँ अभी मिटन आवाज आई, अभी कैसी आवाज आई? नहीं 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 कैसी आवाज है भी? चरचराहट की आवाज आई ना, वो आवाज जरा मालूम करके देखिए, अभी आएगा आगे। मैं सोच रहा था कैसे वो आवाज निकालूं, कैसे आवाज बताऊं, किसको बोलूं नहीं आवाज निकालने के लिए, अचानक पूछने से आवाज आ गई, देखो माशाल्लाह, चलिए अच्छा हुआ। अच्छा चलिए, क्या लफ्ज आया था? वहुम ला यसअमून, जी अरबी जुबान में सईमा, यसअमु, समतन या समन भी आता है, सईमा यसअमु, इसके माने क्या आते हैं असल, कि आदमी कोई काम करते 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 अचानक बोर हो जाए, बोरियत महसूस करे, कुछ भी मिसाल के तौर पर कोई चीज पढ़ते 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 जो एकदम बोर हो जाता है, बस है अभी खत्म कर देंगे, ऐसा होता है नहीं? कभी कभार किसी से जो बातचीत करते करते चलो अभी बस करेंगे, कोई चीज देखते देखते जो दिल उगता जाता है, दिल भर जाता है एकदम, गोया कि थकावट की इब्तिदा होती है, वो इब्तिदा होती है, ऐसी हालत समझ में आ गई आपको? तो फरिश्तों का अल्लाह सुभान व तआला की युसब्बिहूना लहू बिललैलि वन्नहार, बहुत बड़ी बात है ये, रात और दिन तस्बीह बयान कर रहे हैं, लेकिन वहुम ला यसअमून, कभी वो पोजीशन में नहीं आती है, कभी वो मरहला इनको नहीं आता है कि अभी चलो बहुत हो गया बस करें। जैसे हम लोग इंसान हैं, फितरत है, एक घंटा पढ़ते हैं बहुत काफी है, उससे ज्यादा ना पढ़ाने का कोई काबिल रहता है, ना सुनने का कोई काबिल रहता है, बस है अभी खत्म करें। इनका मामला ऐसा नहीं है, इनका मामला ऐसा नहीं है, युसब्बिहूना लहू बिललैलि वन्नहार, अल्लाह ताला ने देखिए दोनों चीजें बयान फरमा दी,
ये रातों दिन अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, लेकिन इतनी तस्बीह बयान करने के साथ मुसलसल होते रहता है ये अमल, इसके बावजूद भी वहुम ला यसअमून, वो थकते नहीं, उकता नहीं जाते इस मामले में, इस मामले में उकता नहीं जाते हैं। ये लफ्ज जो है आप इसी सूरे में देखें, थोड़ा आगे समझाने के लिए, थोड़ा आगे उसी सूरे में आयत नंबर 40 पर 9 देखिए, 39 कोशिश ये करना कि अगर आयत छोटी है तो आयत भी लिख लेना, सिर्फ सूरह फुसिलत आयत नंबर 49 नहीं लिखना, यह गलत तरीका। आयत बहुत बड़ी है तो हमारे मौजू से मुतालिक जो है वो लफ्ज़ तो लिख के रखना, उतना हिस्सा मुश्किल है लेकिन जल्दी पढ़ने की जरूरत नहीं हमको, आप लिखने तक पूरा मौका है, तालीम हासिल करना सही तरीके से। कल रात में मैं कतादा इब्न दियामा सदूसी रहमतुल्लाह का नाम सुने आप लोग, सही बुखारी में नाम आते रहता है, आप सुनिए आप लोग, कतादा इब्न दियामा सदूसी, क्या अबुल कासिम याद है, सुने अब्दुल्ला भाई, कतादा इब्न दियामा सदूसी रहमतुल्लाह, उनकी एक नसीहत है, आप भी लेके रखिए, बड़ी काम की नसीहत है। वो कहते हैं मन तलब अल इल्म जुमलतन ज़हबा मिन्हु जुमलतन, माशाल्लाह, इनका नाम है क़तादा इब्न दियामा अस्सदूसी, इनकी कुनियत थी अबुल ख़त्ताब, इनका सन्ने वफ़ात है 117 हिजरी, बसरा के उलमा में से। ये कहते हैं कि मन तलब अल इल्म जुमलतन, जो इल्म को एक साथ पूरा का पूरा समेटना चाहता है, ज़हबा मिन्हु जुमलतन, वो इल्म उसका ऐसे ही निकल के चला जाता है। इल्म को चाहिए कि थोड़ा थोड़ा करके ले, एक आयत को लेकर के तफसील से समझें, सबर के साथ पढ़ें, छोटी सी बात लिखो उसे 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 तफसील के साथ पढ़ना, ये नहीं कि पूरा एक साथ लेने की कोशिश करेंगे, नहीं एक ही साथ सब पढ़ लें, कुछ हाथ आने वाला नहीं उसके। मन तलब अल इल्म जुमलतन ज़हब अन्हु जुमलतन, कल रात में पढ़ा मैं ये ईशा के बाद, कल क्लास में बतला रहा था नहीं मैं आप लोगों को कि जल्दी नहीं करना, थोड़ा थोड़ा, कल बतला रहा था नहीं, कल बतला रहा था, कल ईशा के बाद जो है मस्जिद में हमारे एलिया के साथ हम लोग कुछ पढ़ रहे थे, उसमें अचानक इनकी ये बात पढ़ने को मिली तो इतनी खुशी हुई माशाल्लाह कि नहीं, हमारे उलमा की ये नसीहत है बाकायदा, मन तलब अल इल्म जुमलतन ज़हब मिन्हु जुमलतन, इसलिए आराम से धीरे धीरे तफसील के साथ पढ़ना। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कोई आयत बतलाता हूँ मैं आपको, जो जिसे वजू शाहिद जिसे बोलते हैं, इस्तदलाल किस टुकड़े से क्या जा रहा है वो भी लिखें, बड़ी आयत है वो हिस्सा लिख लें, छोटी आयत हो तो लिख लें आप। अच्छा चलिए, इस आयत करीमा में देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ला यसअमुल इंसान मिन दुआइल खैर, अल खैर क्या माने इसके, दो माने हैं, हाँ यहाँ क्या माना, यहाँ दुनिया, अल खैर के क्या माने, दुनिया, माल दौलत वगैरह, दुनिया जिसमें उसकी बीवी बच्चे उसका घर उसकी तिजारत उसकी वो सारे सारे एक दुनिया में एतबार से क्या चीज़ें हो सकती हैं सब आ जाती हैं इसके अंदर, ईमान और इस्लाम और इसका दीन छोड़ करके सब दुनिया उसके अंदर आ जाती है, समझ रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान की वो वहाँ पर भी खैर के माने दुनिया और माल की, सूरह आदियात में वल आदियात ज़बहा फलमूरियात क़दहा फलमुग़ीरात सुबहा फ़असरना बिही नक़अ फ़वसतना बिही जमअ, उसके बाद इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, वो खैर के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, अगर खैर अच्छाई के माने में होता तो वो बुराई में क्यों मान की जाती चीज़, वो है कि नहीं,
तो यहाँ खैर के माने वही दुनिया। देखिए अल्लाह ताला ने कहा ला यसअमुल इंसानु मिन दुआइल खैर, इंसान अल्लाह से भलाई मांगते मांगते थकता नहीं। यानी मजम्मत और बुराई बयान की जा रही है। उमूमन मक्की सूरतों में लफ्ज इंसान जब आता है तो उमूमन काफिरों की ज़हनियत मुराद होती है, काफिर लोग मुराद होते हैं, काफिर लोग या गैर मुस्लिम ऐसे लोग जो दुनियादार लोग हों जिनकी दुनियावी सोच होती है। अहले ईमान और इंसान में ये अंबिया वगैरह नहीं आ जाते इसमें। उमूमन अल्लाह ताला ने कहा ला यसअमुल इंसान, इंसान थकता नहीं है मिन दुआइल खैर, दुनिया को मांगते हुए। यानी अल्लाह ने कहा कि दुनियादारों की दुआएं ऐसी होती हैं कि सिर्फ हाथ उठते हैं तो दुनिया मांगते हैं, जब भी मांगो दुनिया, और कोई मांगना आता ही नहीं इनको। वइम मस्सहु शर, उनकी दुआ कबूल नहीं होती, जब शर पहुंचता है फयाउसुन कनूत, बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, कनूत कनूतियत आ जाती है उनके अंदर। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बता रहा है कि अहले ईमान ऐसे होते हैं जो एक तो दुनिया ज्यादा नहीं मांगते, बड़ा नाम मांगते हैं, आखिरत के बारे में उनकी फिक्र ज्यादा रहती है, और दुनिया को ऐसी मांगते हैं जो उनकी आखिरत के लिए नफा बख्श हो जाए। फिर भी कुछ शर पहुंचता है तो उसमें गिले शिकवे नहीं करते, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मकादीर में से है, अल्लाह ने लिख रखा है, इस पर राजी रह जाते हैं। लेकिन काफिरों का और दुनियादारों का मामला ऐसा नहीं रहता, सिर्फ दुनिया मांगते रहते हैं, और जब दुनिया मांगते हैं दुनिया नहीं मिलती है तो जो है बिल्कुल ये बज़र हो जाते हैं अल्लाह ताला से। तो अल्लाह ताला कहता है कि इनकी दुआएं सिर्फ और सिर्फ, थकता भी नहीं इसमें, सिर्फ और सिर्फ दुनिया 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 मांगते रहते हैं। वल्लाहुल मुस्तआन, ये चीज़ बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो सईमा यसअमु के यही माने हैं, समिया यसमाउ के वजन पर। अच्छा चलिए, एक यहां पर ये बात कहेगी ला यसअमून के फरिश्ते अल्लाह सुबहानहु व तआला की सुबह शाम इबादत करते रहते, तस्बीह बयान करते रहते हैं, लेकिन वो मरहला आता ही नहीं है। ला यसअमून बहुत बड़ी बात है, अल्लाह अकबर। सूरह अंबिया खुली, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 19, सूरह अंबिया सूरह नंबर 19 आयत नंबर 21 नहीं 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 सूरह नंबर 21 आयत नंबर 19। अल्लाह सुबहान व तआला ने यहां पर भी फरमाया वलहु मन फिस समावाति वल अर्द, ये लाम तमलीक के लिए, उसको बोलते हैं अरबी जुबान में तमलीक, क्या बोलते हैं तमलीक। यानी मिल्कियत बतलाने के लिए। वलहू अल्लाह सुबहान उसी के लिए है मन फिस समावाति वल अर्द, आसमानों में जमीन में जो कुछ है सबका मालिक अल्लाह सुबहान व तआला ही है। वमन इंदहु, और जो उसके पास हैं, और जो उसके पास हैं ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही, लफ्ज़ इबादत ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है, ये अल्लाह ताला किसी को अपना अब्द बतला दे, अब्द इन्नहु काना अब्दन शकूरा, वो मेरा अब्द है, ये उस बंदे के बारे में बहुत बड़ा शर्फ, बहुत बड़ा इनाम, उससे बड़ा इनाम कोई नहीं, अल्लाह ताला किसी को बोल दे कि मेरा अब्द है। अगर बंदा शऊर से कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमीदनी अब्दी, ये अल्लाह ताला किसी बंदे को ये बोल दे कि मेरा अब्द है, ये बहुत बड़ी बात। अंबिया अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने जितनी भी तारीफ की, पूरे उम्मत मुस्लिमा के उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है, अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम की जितनी भी तारीफ की उनमें सबसे बड़ा तारीफी कलिमा उनके लिए अब्द कहना, सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दी, ये सबसे बड़ी तारीफ। अल्लाह हमारा यकीन रहना, और कब हम वाकई नमाज को वैसे उस सूरत में पढ़ें, और वाकई हम पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह हमारे हक में अब्दी अब्दी करे, मेरा बंदा, बहुत बड़ी बात है, इससे बड़ी तारीफ और कोई नहीं हो सकती, और ये अल्लाह ताला हमारे हक में कहते हैं बहुत बड़ी शर्फ की बात है, इससे बड़ा कोई शर्फ नहीं। जी जी सब उसी में बेशुमार आए थे इस मामले में। अल्लाह ताला ने फरमाया वमन इंदहु ला यस्तकबिरून अन इबादती, और जो उसके पास हैं वो अपनी अल्लाह की इबादत से तकबर नहीं करते, इस एक बार लफ्ज गुजर चुका है। वला यस्तहसिरून, और थकते भी नहीं हैं। इस्तहसार, ये जो लफ्ज है इस्तहसार, क्या माने इसके इस्तहसार, ये मिट दूं
ला यस्तहसिरून, अरबी जुबान में हसारा, यहसिरु या हसारा यहसुरु, ज़रबा यज़रिबु के वजन पर भी, नसरा यंसुरु के वजन पर भी। हसरन, हसरा यहसुरु हसरन के असल माने कौन बोलेंगे उसको इनाम? इसके असल माने आते हैं नंगा करना। क्या करना? नंगा करना। असल माने किसी चीज से पर्दा हटा देना, जिस्म पर से कपड़ा निकाल देना, बरहना हो जाना, इसके असल माने हसारा के। इसके माने थकने के कहां से आए? यानी आदमी इतना अमल करे, कोई इतनी इतना मेहनत कर दे, इतना कुछ काम कर जाए कि थोड़ी देर पहले जो फ्रेश था, उसके काम करते करते मेहनत करते करते थोड़ी देर के बाद वो वाकई लगे उसका जिस्म बतला दे कि नहीं, मैं अभी बहुत कमजोर हो चुका हूं, मैं अभी मैं काम का लायक नहीं। समझ रहे ना? गोया कि वो अपनी कमजोरी को दिखला दे रहा है, कमजोरी पे जो पर्दा पड़ा हुआ था उस पर्दे को हटा दिया उसने, वहां से वो माना आया थकने का। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? वरना असल माना क्या है? नंगा करना, किसी चीज से कपड़ा हटा देना। सही बुखारी की हदीस है, जैद इब्न साबित और अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन एक हदीस बयान करते हुए कहते हैं कि हसारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इज़ार अन फ़ख़िज़ैही फ़ख़िज़ उनके माने क्या? फ़ख़िज़ उनके माने क्या? रान को बोलते हैं। फ़ख़िज़ उनके माने क्या? रान को बोलते हैं। एक मसला है, फ़िक़ी मसला, वो उलमा के दरमियान एक मुख्तलफी मसला है कि रान औरत में से है कि नहीं। औरत माने मर्द औरत की बात नहीं कर रहा हूँ, औरत माने इंसान की वो जगह जो छुपाने के काबिल है। समझ रहे हैं? जैसे मर्द के लिए कंधा खुला नहीं रह सकता नमाज में, कंधा ढका हुआ रहना मर्द के लिए भी, जैसे का कंधा खुला हुआ है वो नमाज नहीं पढ़ सकता। जैसे लोग तो तवाफ करने के बाद इस्तीबा की हालत में रहते हैं, मकाम इब्राहिम के पास जाकर के वही इसी सूरत में नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज नहीं होती, दोबारा लौटाना चाहिए उन लोगों को नमाज। बहरहाल, तो वो मर्द की औरत है, वो जो चीज़ छुपाने की है, तो इस एतबार से मर्द का वो हिस्सा जो उसके घुटनों से ऊपर का है, घुटनों से ऊपर का रान का जो हिस्सा है, वो औरत है कि नहीं है मर्द की, तो वो एक मुख्तलफ ही मसला है। तो असल मामला ये है कि वो ज़रूरत के एतबार से आदमी अगर ऊपर कर ले कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसरा नबीयो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हटाया अल इज़ारा, इज़ार को अन फ़ख़िज़ैही, अपने रान पर से। हसरा के माने मालूम है क्या है यहाँ पर? यानी कपड़ा हटाना, बरहना कर देना। बात समझ में आ गया आपको? हसरा के असल माने ये, बाद में थकने के लिए माना कैसे बना, कैसे लफ्ज इस्तेमाल होने लगा कि आदमी अभी होता है कि जब काम करने के लिए जाता है, इब्तिदा जब होती है तो बिल्कुल फ्रेश रहता है, जैसे काम का पूरा वक्त हो जाता है, क्या हालत रहती है उसकी? बिल्कुल वही हालत। तो बिल्कुल वहाँ से ये माना आया कि गोया कि अपनी अपनी जो चीज़ें छुपी हुई थी, उसकी सेहत वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसको वाजे कर दे रहा है कि अभी मैं काम के काबिल नहीं। गोया कि अपनी चीज़ को वाजे कर दे रहा, वो कपड़ा हटा दे रहा, पर्दा हटा दे रहा अपने आप से, वो वहां से वो माना आया। वो कुरान मजीद में देखेंगे आप, ये लफ्ज सूरह मुल्क खोलिए, सूरह मुल्क खोलने से पहले कौन सी आयत रहेगी? हाँ माशाल्लाह, जी जी जी, सूरह अल मुल्क सूरह नंबर 60 पर 7 मारूफ आयत करीमा है। सूरह नंबर 60 पर 7 आयत नंबर, नहीं नहीं नहीं, सूरह नंबर 60 पर 7, हाँ जी, आयत नंबर 4, सूरह नंबर 60 पर 7 आयत नंबर 4 अल्लाह ताला ने फरमाया सुम्मर जिल बसरा करतैन, यानी अपनी निगाह को बारह दोहराओ, बार बार देखो, लौटाओ अपनी बसारत को, देखने को बार बार करो, यनकलिब इलैकल बसर, तुम्हारी निगाह
तुम्हारी ही जानिब लौट कर आएगी। खासियन, जलीलो आजिज होकर, कुछ नतीजा नहीं ला रही थी, कोई चीज आपके हाथ में नहीं आ रही सिवाय इसके कि आप तारीफ करिए, आप उसमें कुछ नक्श नहीं निकाल सकते। आजिज होकर तुम्हारी आंख, तुम्हारी बिनाई लौट के आएगी, तुम्हारा देखना लौट आएगा। और वहुवा हसीर, और तुम्हारी देख 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 के थक भी जाएंगे, कुछ निकाल नहीं पाओगे। समझ रहे हैं आप हसीर के माने क्या है जी? तो उसी से इस्तेहसार कहाँ है लफ्ज़, सूरह अंबिया में पढ़ रहे थे हम लोग। अच्छा चलिए सूरह अंबिया में आ जाइए। अल्लाह ताला ने फरमाया وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وہی بات جو اس میں ہے سورہ فصلت میں پڑھے تھے ہم لوگوں نے يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ وہ دن و رات تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے، ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ فطر یہ ایک لفظ ہے، یہ یعنی قرآن جو ہے لفظ الفاظ بدل بدل کے کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، اس میں الگ 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 معنی ہے۔ وہاں ہم لوگ پڑھے تھے سعی میس امو، اس کے معنی بھی تھکنے کے، لیکن تھکاوٹ کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے، وہ ابتدائی مرحلہ جب آدمی کام کر کے اچانک جو ہے پھر تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے اس کی۔ فطر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک آدمی ایک کام بہت تیزی سے کرتا ہے، فطر کے اصل معنی بتا رہا ہوں میں آپ کو، فطور، فطر یفطر فطورا، اس کے اصل معنی کیا ہے کہ اصل معنی مطلب یعنی اس کے اندر جو بنیادی معنی ہے تھکاوٹ کا وہ یہ کہ ایک آدمی ایک کام زور و شور سے مکمل طور پر کرتے رہتا ہے پورے جذبات کے ساتھ، اچانک دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ ایسا بوریت محسوس کرتا ہے، اتنا بیزار ہو جاتا ہے اس کام سے کہ دھیرے 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 کام پہ اسے وہ قدرت نہیں رہتی ہے کسی بھی کام میں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو کہ بولتے ہیں کہ نہیں میں پہلے جو ہے 5 کلومیٹر چلتا تھا، ابھی نہیں ہوتا میرے ہاتھ سے، ابھی صرف 2 کلومیٹر چلتا تو بہت ہے، بولتے ہیں نہیں بولتے۔ تو اس لیے اب یہ فطور ہے ابھی ان کے اندر، ابھی وہ طاقت نہیں ہے جیسے پہلے کرتے ہیں، ابھی نہیں کر پاتے وہ۔ صحیح ماں کے معنی کیا ہے؟ کام کرنے کے بعد وہ کام سے بیزار گیا جانا، یہ کام نہیں چاہیے مجھے، بہت اکتا گیا ہوں۔ وہ صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ کی اس عبادت سے، صبح و شام کی تسبیح سے وہ بیزار نہیں ہوتے، اس عمل سے کہ بس ابھی یہ کام، بس ابھی دوسرا دیکھیں گے، نہیں، وہ کام سے بیزار نہیں ہوتے۔ وہ فطر کے معنی کیا ہے کہ پہلے میں اللہ کی صبح و شام عبادت کرتا تھا، ابھی نہیں، ابھی صرف صبح میں کروں گا بس، یا ابھی صرف رات میں کروں گا بس، یہ معنی۔ سمجھ رہے ہیں آپ ذرا سا فرق؟ یہ چیز آ جاتی ہے اس کے اندر کہ نہیں پہلے میں بہت پڑھتا تھا، ابھی پڑھنے نہیں ہو رہا ہے مجھے، ابھی اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتا میں۔ یہ انسان کے اندر جو کمزوری ہے وہ یہ چیز، یعنی ایک کام جو آدمی ہوش و حواس اور طاقت اور جذبے کے ساتھ جو مسلسل کرتے رہتا ہے اس میں ایک وقفہ آ جانا، ایک یہ آ جانا، کیا بولتے ہیں اس کو، ایک رکاوٹ آ جانا، پھر نہیں کر پاتا آدمی، اتنا کام نہیں کر پاتا، پھر کچھ تھوڑا موٹا کام کر لے گا۔ پہلے اتنے گھنٹے کرتے تھے، ابھی نہیں کر سکتا میں، ابھی اتنے گھنٹے کام کروں گا، اتنی طاقت نہیں ہے۔ جیسے آگ ہوتی ہے، آگ جو اپنے شباب پر رہتی ہے تو اچھی خاصی اس کے اندر جو ہے وہ شعلے وغیرہ، اس کے اندر چنگاری، پھر وہ بھڑکیلاپن، سب کچھ رہتا ہے۔ جیسے بجھنے بجھنے کو آتی ہے، تھوڑا 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 کم ہوتی جاتی رہتی ہے، وہ ہے کہ نہیں؟ تو فطر کے معنی بھی یہی آتے ہیں۔ فطر قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، فطر یفطر اس کا مضارع، تفطیرن نہیں، یہ حقیقت میں رب العالمین نے اپنی مخلوق فرشتوں سے متعلق کیسے کیسے تعارف کروایا، دیکھیں، یعنی کسی طرح بھی تھکاوٹ نہیں، اس کام سے بور بھی نہیں ہوتے ہیں اور اس کام میں جتنا کرنا ہے اس میں کمی بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو فطر کی بھی معنی یہی کہ کسی چیز کو کم ہونے دینا، کوئی چیز کم ہوتے چلے جانا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورہ زخرف میں فرمایا، سورہ زخرف دیکھیے، سورہ زخرف 40:3 سورہ زخرف 40:3 اور آیت نمبر 70:5 آیت نمبر 70:4 کھولی، آیت نمبر 70:4 اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون عیاذا باللہ
अल्लाह की पना। इन्नल मुजरिमीन फी अज़ाबी जहन्नम खालिदून, बेशक गुनहगार लोग अज़ाब दोज़ख में हमेशा रहेंगे। सबके सामने अयाज़न बिल्ला वल अयाज़ु बिल्ला, अल्लाह के पना बोलना बहुत आसान है। अल्लाह ताला ज़ाहिर में बातिन में हर जगह पर अल्लाह से डरने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि बेशक गुनहगार लोग अज़ाब दोज़ख में हमेशा रहेंगे, और जब उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा तो ला युफत्तरु अनहुम, वो अज़ाब उनसे हल्का होने का नाम नहीं लेगा। देख रहे हैं आप, फत्तरा के माने यानी जो लेवल है उसमें कमी की बात नहीं आती, उतना वो वही रहेगा, बल्कि मजीद भड़काऊ रहेगा, कमी की बात नहीं आती। ला युफत्तरु अनहुम, ये अज़ाब कभी भी उनसे हल्का ना किया जाएगा। वो हुम फीही मुबलिसून, और उसमें हमेशा मायूस उसी में रहेंगे, निकलने वाली बात नहीं रहेगी। आपको एक लफ्ज मालूम है, ये फतरा का लफ्ज आया तो मैं बता रहा हूं आपको। फतरा का माना समझ में आएगा आपको अच्छी तरीके से। फतरा और साइमा के माने थकने के, किस तरह की थकावट मालूम हो गया अच्छे से, फर्क अच्छे समझ में आ गया आपको। आपको एक लफ्ज बताता हूं मैं आपको, वक्त भी हो रहा है इसलिए एक मिनट बाकी है, हो सकता है आने वाले हफ्ता पढ़े इंशाल्लाह। अहलुल फतरा मालूम है आप लोगों को, अहले फतरा, अहलुल फतरा कौन बतलाते हैं, वो इनाम का मुस्तहिक है इंशाअल्लाह। आने वाले हफ्ता भी सही, अगर कोई आकर के पूरी अच्छी खासी मालूमात देता है उसे भी इनाम इंशाअल्लाह, लेकिन छोटा मोटा इनाम, छोटा मोटा इनाम इसलिए कि एक तो 8 दिन का टाइम मिल रहा है, और दूसरा ये कि उसमें हो सकता है सब तैयारी करके आएंगे, सबको मोटी मोटी किताब नहीं दे सकते। आप लोगों को जो इनामात जो दिए जा रहे हैं, मैं हमारे अब्दुल वाहिद भाई से भी बोल रहा था, आपको कदर करनी चाहिए। यहाँ जो इनामों का जो मामला है, आप देखेंगे कि बड़े बड़े मदारिस, बड़े बड़े जामियात, इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़, हमारे हिंदू मुल्क की सतह की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की बड़े बड़े मदारिस में एक साल तालिबे मेहनत करके, वो भी मुसाबका रख करके, पूरे 50-50 तलबा रहते हैं एक एक क्लास में, उसमें पहला इनाम लेता है एक साल मेहनत करके 90 नंबर ऐसे लाता है, उसको भी वो वैसा इनाम नहीं दिया जाता जो आपको छोटे से सवाल पर एक एक इनाम देते जा रहा है। कदर कीजिए उसकी। अगर आप जाके बोलेंगे मैं ऐसा एक सवाल आया था, मैं उसका जवाब देने की वजह से मुझे ये इनाम मिला है, लोग हंसेंगे मदरसे के तलबा, अरे ये कौन बेवकूफ़ है जो इतने बड़े बड़े इनाम दे रहा है आपको करके। सच बोल रहा हूँ मैं आपको, शायद आप लोगों को इसकी अहमियत नहीं है, इसका अंदाज़ा हरगिज़ नहीं रहेगा आपको। मदारिस के तलबा को हमारे अहलिया को देखे आप, उनके इनामात हमारे पास घर में मौजूद हैं, क्लास में पहला नंबर दूसरा नंबर पूरा, उनकी पूरे किताबें मिला करके भी उतने नहीं हो जा रहे जो आपको एक सवाल के जवाब में दे जा रहे हैं। छोटी किताबें 100 सफ़े की 150 सफ़े की, नंबर आप देखे तो 90 से ऊपर, तो इसकी कदर कीजिए आप। अल्लाह सुभान व तआला का एहसान है ये, वाकई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको माशाल्लाह इस मस्जिद से बहुत सारी नेमतें आपको मिल रही हैं, ये भी एक नेमत है मुस्तकिल। वरना पूरे मदरसे में जितने तलबा होते हैं सबकी कामयाबी पर भी 1-2 हज़ार रुपये खर्च नहीं होते, जो आपके अकेले एक इनाम पर जो है 300-400-500 रुपये के खर्चा आता है, इसका एहसास होना चाहिए। हाँ जी, ऐसे ही नहीं आपको बड़ी किताब इनामें दे दी जा रही है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, शुक्र अदा करेंगे तो और ज़्यादा मिलेगा इंशाल्लाह। जी चलिए इंशाल्लाह ये लफ्ज़ देख करके आइए, बकिया वो आयत का माना मफहूम, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसी ये जो मौजू है ला नामून ला या मल्लून, उसका कुछ और भी बकाया है वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला अमीन, अल्लाह सुबहानहु व तआला की शरीयत को पढ़ने और हतल मक़दूर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। जिसे